त्या मेहनतीचा अगदी आज आनंददायक आल्हाददायक आणि उत्साहदायक शेवट आपण करतोय. एका बाजूला असणार घणसोली, दुसऱ्या बाजूला असणार पाले आणि त्यांना धावत्या समालोचनातून आपण पृथक्करण ऐकणार आहोत. राष्ट्रीय भाषेचं प्रभुत्व असणारे आपले या सर्वांचे लोकप्रिय कमेंटेटर अर्थातच अमित म्हात्रे सर, मॅन फ्रॉम जोहे पेन, ऐकूया एक धमाका शेवटच्या फायनलचा त्यांच्याच आवाजातून. हॅलो, हॅलो, धन्यवाद अतिजी पाटील. फाइनल की मैच आपके भेंट के लिए आ चुकी है और तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत. चलते मैदान के अंदर और गेंदबाज नयन जी और हवा में जरूर गेंद, कैच की संभावना इस प्रकार, ओ टक्कर हो गई, देखिए क्या हुआ. ये अच्छी तरह से लगभग देखा जाए शानदार ट्राई की थी. कॉल इज इम्पोर्टेंट बात है, एक दूसरे को कॉल करो आप सक्सेसफुल बनेंगे. लेकिन इस प्रकार कॉल चुका और यहाँ घाटा हो गया, रन मिल चुके दो. हेलो, तो इस बीच ये फाइनल का मुकाबला है, छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला कड़ा है, मुकाबला बड़ा है. और ऐसे रात में मजामदार ट्रॉफी और सरपंच ट्रॉफी 2023 का 24 का ये खूबसूरत मेगा फाइनल का कड़ा मुकाबला. राहुल इस बीच जरूर एक सिंगल मिलेगा और ये दूसरा चुरा, मुंबई वाले देखिए क्या रन चुरा रहे. रन चुराना किसे कहते हैं, गाड़ी जब पटरी के ऊपर घनसोली की चलती है ना तो एक बार स्टॉप गलत हुआ तो सीधी चली जाएगी. रन तो चुरा लिया तो किस साथ स्कोर आगे 4. राहुल स्ट्राइक के ऊपर है, स्नेहल मात्री बॉलिंग मार पर और ये उस बार पिक किया हवा में, खिड़की चंपा खुश हुई लंबा, देखो पहले लंबा छक्का मारा खंबा. गुड मॉर्निंग माहौल गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसे रात में ये फाइनल का मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला है, चैंपियन सिकंदर शहंशाह बनने का मुकाबला. इस बार गैप में गेंद, लेकिन ये 4, पाली वाले क्या कर रहे हैं.
कई और महंगा साबित हो चुका है पायलट टीम के लिए। कड़ाकेदार बल्लेबाजी हो गई, पहले ओवर में गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज टूट के पड़ गया है, मानो ऐसी जख्म दी है कि कहते हैं ना इस बार जले पे नमक छिड़काया। ए मैच देखो क्या हंस रहे, टंडी इतनी फाइनल की मैच है और तुम लोग मैच छोड़ के सब लोग बत्तीस ही दिखा रहे। अंतिम मैच है, मैच का आनंद लीजिए, कैसे मार रहे देखो बम्बई वाले, सीखो जरा। और हमारे पुलिस पटेल साहब आपका हार्दिक स्वागत, आइए। चार दिन आपकी उपस्थिति बहुत ही कड़क है, आज भी जोश वही हिम्मत वही है, बैठो बाबा बोल ले मोरे दादा। देखिए क्या जवानी में आए, क्या तेज चढ़ गए, मजा ही मजा, मजा आया टूर्नामेंट में। किसी को अगर कोई शब्द का दुख होगा तो हम माफी जरूर मांग रहे हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट हमारी है और हम यहाँ उपस्थित हो चुके हमारे आतिश जी पाटिल जिन्होंने हमें संभाला, चेतन जी ने भी अच्छी कमेंट रखी, हार्दिक स्वागत। लेकिन इस बार देखा जाए मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली गई है, फील्डर मौजूद है, मिलेगा एक सिंगल और एक सिंगल के साथ घनसोली टीम का स्कोर 21। एक साइड से राहुल की बल्लेबाजी, राहुल नाम सुनने के बाद भारत के राहुल द्रविड़ की याद आ गई, उस तरह से इस बार ये राहुल ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। और केर राहुल, वो केर राहुल क्या हुआ, फाइनल में मुझे वर्ल्ड कप में इतनी नई बल्लेबाजी अच्छी खेली, मैं निराश था उस टाइम, लेकिन राहुल द्रविड़ कैसा खिलाड़ी, खतरनाक। शिव अख्तर ने कह दिया ना कि मुझे इंडिया का वही बल्लेबाज खतरनाक लग रहा था जो मुझे परेशान करता था। यस वाइड यॉर कर दिया कि ये क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र फेंका था, अनादिकाल तक चलने वाला है। और टीम का स्कोर 21। हाँ टीम का स्कोर 21, 21 पे स्कोर जा चुका है, अच्छा स्कोर अच्छी बैटिंग। देखिए राजू गैरत कैसा बूंदा मारा है, गाउटी भाषा में इसे कहते बूंदा मारा, बूंदे की बात कैसी होती, बैठता है ना तो फिर बैठता है, अगर निकल गया तो बल्लेबाज सुरक्षित, नहीं तो बूंदा डायरेक्ट गेंद को तितर, बल्ले को इस बार देखा जाए स्टंप को तितर बितर करता है। देखिए पूरी तरह से माहौल गर्मा गर्म है, फाइनल का मुकाबला है, कड़ा कांटे का टक्कर का मुकाबला, मजा है, ये छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, ये माजी आमदार चषक और सरपंच ट्रॉफी 2024 का मेगा फाइनल। और घुटना टेक तमाशा देख गेंद के आप में फील्डर मौजूद है, एक और इसी के साथ दो, इस बार दो के साथ कल्पेश गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं, कोटे का पहला पारी का ये दूसरा ओवर लेके दो के साथ निखिल पहुंचे तीन पे, और हम देख सकते हैं तो 21 पे खेल रहे राहुल हमारे साथ ही स्कोरर है तनीश, तनीश ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत। हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इधर की टेंशन नहीं, इस बार बॉल को देखना चाहिए, बॉल को मारना चाहिए, देखो बॉल कहाँ पड़ रही है, या टप्पा लेंथ लाइन इज इम्पोर्टेंट बात है, क्रिकेट में डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप इस तरह से मारने जाएंगे तो गेंदबाज कोई ऐसे नहीं है, ये भी अच्छे गेंदबाज है कल्पेश मात्रे, इनकी आखिरी गेंद शेष अंतिम बॉल, और ये देखिए क्या हुआ, ओवर की समाप्ति, दूसरा ओवर खत्म हो चुका चिनू, और इसी के साथ देखा जाए तो नई मुंबई घनसोली का स्कोर 24 विदाउट लॉस। देखिए पार्टनरशिप इज इम्पोर्टेंट बात है, तेज तर्रार भागीदारी देखने को मिल चुकी है, कहते हैं ना कि लड़का लड़की घर से भाग गई, माँ बाप के हाथ में तो मारपीट नहीं तो जोड़ी फीटे, जोड़ी घनसोली की फीटे पानी लेके जाइए, पानी है ना मंगेश भाई, है बस बहुत खर्चा दिया तुम लोगों ने लेकिन अच्छा हुआ, अभी क्या हुआ है अंतिम मैच है, ये भैरवी है, सुबह हो चुकी है, बजे हुए कितने घड़ी के अंदर, देखिए
4:24 कुछ नहीं बजे, मुझे लगता है 12 ही बज चुके। चौबीस स्कोर हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट, नवीन सेवा गांव क्रिकेट की पंडरी, हमारे शैलेश भोईर साहब, नीलेश दत्ताराम घरत साहब आयोजक, नीलेश गोवर्धन घरत आयोजक हमारे साहब, और हमारे सूर्य दादा पाटिल, मंगे दादा घरत, सभी ने ली हुई मेहनत के तौर के ऊपर, राजू दादा घरत, इन सबों ने बहुत कड़ी मेहनत ली, और मेहनत के तौर के ऊपर देखिए इस ट्रॉफी का बोलबाला चल रहा है। आया अंत मैच, दुख हमें भी है कि आप ये मैच हम छोड़ के घर जाएंगे। अनुज ठाकुर कल अच्छी बॉलिंग, लेकिन बाद में देखा तो डायरेक्ट आ गए बैठने के लिए अभी तक वही, और घूम के खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन यहां देखना चाहिए मौका हाथ से गया लेग बाई के रूप में। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंच जाए 25। आखिरी 5 गेंदे शेष हो गए और गेंदबाजे मोरेश्वर, एक मोरेश्वर गेंदबाजी कर रहा है तो दूसरा मोरेश्वर गलत मैच देख रहा है, और क्या चाहिए। अंबर के चेहरे प्रफुल्लित हो गए और हवा में लॉफ्ट किया है, कैच लो, पकड़ो, छोड़ो मत, छोड़ दिया। मैं हमेशा कहता हूं ना, और ये भागम भाग मुंबई वाले क्या भाग रहे यार, इसलिए कहता हूं ना कि मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, क्या भाग रहे। मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी नई मुंबई के घनसोली के पटरी के ऊपर ज्यादा गई होगी, इतने तेज और मुस्तैद दौड़ रहे। नई मुंबई की प्रीमियर लीग चलू, अभी अभी उन्होंने जीक रखिया, बहुत ही बढ़िया कड़क आयोजन है, यहाँ भी कड़क आयोजन, ऐसा लगता है ना कि मराठी में एक मन है, पाहुण्यांचा खेल पाहुण्याने तो बघण्याची गतच वेगळी असते। पाहुणी एकदा गावात आली ना, वाह, अरे कशा असतात बघ, येत असा का ठुणका दिला की या लोकांना बरं वाटत, अरे वा भीमराव का चले यार। 28 स्कोर 28, और ये चलो जय श्री राम। और सभी जगह जगह भारत में होगा, बोलो जय श्री राम। शाबाश, और क्या चाहिए, कान का पर्दा फाटना चाहिए शोरगुल मजबूती का। 34 और घूम के खेलने का प्रयास किया, दबाटी के ऊपर गेंद टकरा गई, सिंगल मिलेगा 34 और 1, 34 और 1 ही रन होगी मुंबई वाली, क्योंकि आपको मालूम है जब रन लेने के लिए दोनों बल्लेबाजों को स्ट्राइक रोटेट करने के लिए जो बॉपिंग क्रीज है वो छोड़ना चाहिए, दस्तूर आया नया, इसका अपहरण कीजिए। पहले चलता था यार, पहले क्या मंडप के ऊपर गेंद अटकने के बाद लोग दौड़ते ही रहते थे, कानून नहीं था पहला, अभी कैसा कानून कड़क आया है। पहले डीआरएस बेस कुछ था, कभी कुछ नहीं था। ये शानदार तरीके से इस बार का पिक किया है चरण के लिए, आसमानी सुल्तानी छक्का, बॉल भौ छक्का, ठोक ठोक ठोक।
अनुज प्रसाद वरुण गया। स्कोर पहुंच जाए 41, कड़क छक्का मारा। दस संख्या 41, आखिरी गेंद शेष। इस बार निखिल भी लय में आ चुके हैं। ये भी क्या कैच की संभावना है क्या? लेकिन एक सिंगल दूसरे के लिए पलट चुके। इस बार देखिए दो रन इकट्ठा, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बल्लेबाजों ने देखिए शानदार तरीके से तेज तर्रार 43 रनों की भागीदारी खेली अपनी टीम के लिए, नॉट आउट रहे। और दोनों खिलाड़ी ने क्या करिश्मा किया बल्लेबाजी में। इस बार राहुल व्यक्तिगत मुझे लग रहा है खेल नॉट आउट रहे। राहुल मुझे लग रहा है उस राहुल ने तीन छक्के लगाए, एक बाउंड्री है, दो डबल और एक सिंगल है। 27 पे राहुल नॉट आउट और निखिल 14 पे नॉट आउट रहे। ये 7 बॉल में 14 रनों की शानदार बढ़िया बल्लेबाजी, ताया बाया कॉम्बिनेशन, गुड बैटिंग। उनके समर्थक उनका अभिनंदन कर रहे। अब पाले टीम को जीतने के लिए रन चाहिए 18 बॉल में 44। 44 रनों की जरूरत है। जबरदस्त है, खूबसूरत मैदान, शानदार जानदार आयोजन नियोजन। और अभी अग्नि परीक्षा है यहाँ पायलट टीम की। एक तो कोपरल टीम को परास्त उन्होंने बंबई टीम ने किया, और उसके बाद एक पूर्व विभाग की टीम चली गई है, वो बख्शीश का हकदार है। लेकिन अभी यहाँ क्या पूर्व विभाग की ये पायलट टीम है, ये क्या बदला लेंगे, ये इस ट्रॉफी को जीतेगा। ये ट्रॉफी स्कोर 43 और 44 चाहिए। यस 44 की जरूरत है। तो प्रत्येक ओवर के पीछे मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड रन रेट होगा, हमारे स्कोर बताएंगे। 15 का रिक्वायर्ड रन रेट है हर ओवर में। चलिए दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर जाइए। कल्पेश और उनके साथीदार है सुमित। कल्पेश सुमित मैदान के अंदर गए हुए, अभी देखना पड़ेगा कि कैसी बल्लेबाजी करेंगे। फाइनल का मुकाबला है, चैंपियन बनने का मुकाबला है। ट्रॉफी किधर जाएगी, नई मुंबई या उरण तालुका में रहेगी, उरण तालुका या नई मुंबई में जाएगी, वक्त बताएगा। क्रिकेट ही भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती। अति जी बाड़ी 45 का टारगेट है। और इस बार पहले टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज इस बार मैदान के अंदर पहुंच चुके। फील्डिंग की व्यूह रचना देखिए, एक पाई स्लिप है, एक गली, एक पॉइंट, एक शॉट कवर है, ऑफसाइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर एक शॉट फाइन लेके, शॉट स्क्वायर लेके, और दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। ये फील्डिंग की व्यूह रचना है। पहली गेंद फेंकेंगे राइट हम ओवर से गेंदबाज है तुषार। तुषार गेंद फेंकेंगे ओवर द विकेट से। इस बार हवा में लॉब जरूर किया है, लेकिन लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे। एक सिंगल मिलेगा, खराब से रक्षण, नई मुंबई धारा, घनसोली धारा। दो रनों के साथ देखा जाए टीम का खाता ओपन, खुद का खाता ओपन। सुमित ने तो सुमित और रूपेश जोड़ी मैदान के अंदर ही। कल्पेश यस तो तुषार और कदमों का बेहतरीन प्रयोग किया था, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं है, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई है। आपको मैच जीतना है तो बॉल को देखकर बॉल को मारना है, लेकिन प्रयोग कदमों का क्रिया था, लेकिन एक बार असफल साबित हो चुके। सुमित स्ट्राइक के ऊपर जोरदार प्रहार किया है, हवा में जरूर गेंद, मिड ऑन मार गए, लपक लिया कैच, पहला झटका, पहले टीम को पहली सफलता लगभग तक आ जाए। तुषार को और पहली कामयाबी घनसोली टीम को दीजिए।
और नए गेंदबाज बल्लेबाज प्रदीप प्रदीप मैदान के अंदर है। जबरदस्त ये शांतेश्वरी का मैदान हमारे आज ट्रॉफी का ये फाइनल का मैच आखिरी मैच। चार दिन में बहुत मजा लिया, चार दिन में आनंद आया, चार दिन में सभी लोग मौजूद थे, नवीन सेवा ग्रामस्थ और बाहर के टीमों ने भी अच्छा योगदान दिया। लेकिन फाइनल के मैच के लिए ये दो टीमें आमने सामने घनसोली बनाम पाले पाले टीम को अभी जीतने के लिए मेरे हिसाब से अभी तक रन चाहिए 42 की जरूरत है। यस इस बार यहाँ चलिए बल्लेबाज चले बैक टू द डगआउट। दूसरा झटका पाले टीम को, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा तुषार द्वारा। चार नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए 42 रनों की अभी तक जरूरत है। हमला करना ही चाहिए लेकिन क्या गेंदबाजी तुषार की हो चुकी है? तुषार ने बैक टू बैक दो सफलता हासिल किया, क्या तुषार हैट्रिक संपादन करेंगे? देखना पड़ेगा। दर्शकों की नजर है कि ट्रॉफी किधर जाएगी। 1 लाख की धनराशि किसी के पक्ष में आएगी। सुंदर डिलीवरी और इसी के साथ लगभग देखा जाए डॉट गेम की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर की आखिरी बॉल शेष होगी, अंतिम बॉल यानी कि शेवट तक चेंडो अंतिम बॉल ही। और एक बार फिर से इस बार बढ़िया तरीके से पंच किया है कवर के ऊपर और गेंद सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए 4 रन जे। तो करेंगे क्या लोग, बहुत बच चुके हैं। तो ऐसे ही इस बार देखा जाए नींद थोड़ी सी आंखों के ऊपर आती है। स्कोर 6 और लॉस ऑफ 2 विकेट। जीतने के लिए 12 बॉल शेष और 42 आपके 38 रन चाहिए, 38 रनों की जरूरत है। 12 चेंडू विजय साठी 38 धावांची गरज। मंगलमूर्ति पाले संघाला अर्जुन कदम पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो। कल्पेश और राउंड स्टैंड अपील की थी लेकिन सिंगल जरूर और ये खराब थ्रो किया था लेकिन बैकअप के लिए खिलाड़ी बाई के रूप में 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 7-7। 37 रनों की जरूरत है अभी तक, 37 चाहिए। और जोरदार प्रहार करने गए थे लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा और ये फनी मोमेंट देखिए। मुंबई वाले अच्छी फील्डिंग करो नहीं तो क्रॉप होगी वीडियो। लगान फिल्म की याद मत मुझे देखो। 10 गेंद और जीतने के लिए 36 रन चाहिए, 36 की जरूरत है। और इस बार गेंद बाहर जाने की संभावना है, बेहतरीन। दैट्स इट इज यूज 6। चौदह स्कोर इक्वेशन बताइए। 9 गेंदे और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। 9 बॉल 30, 9 चेंडू 30।
लेफ्ट आर्म और राउंड विकेट से इस बार घुटना टेककर खेलने का प्रयास। शॉट थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड जरूर किया है, सिंगल जरूर मिलेगा बल्ले से। इस बार रन आ चुके जरूर, स्क्वायर ड्राइव करने का प्रयास किया था लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर आगे 15 जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है आने वाले 8 बॉल। कदमों का जरूर प्रयोग किया, ड्राइव देखने को मिल चुका है। मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई, अच्छी फील्डिंग अंसोलिदारा एक सिंगल के साथ बल्लेबाज मेरे हिसाब से प्रथमेश खेल रहे इस बार 6 पे, कल्पेश खेल रहे 7 पे, कल्पेश स्ट्राइक के ऊपर है। धमाका ऐसा जोर से होना ही चाहिए। थोड़ी स्लोवर जरूर गेंद है, 4 की संभावना लग रही है क्या? हाँ बढ़िया है फड़ियाल, क्या बात है, क्या बात है, गुड फील्डिंग, इसे कहते हैं सुपरमैन टीम के अंदर। 2 रन जरूर मिलेंगे और 2 रनों के साथ स्कोर आगे पाली टीम का ओवर खत्म हो चुका है। 18 स्कोर आने वाले 6 गेंद शेष और जीतने के लिए 26 चाहिए, 7 चेंडू विजय सड़े 26 धावांची गरज। या नई मुंबई में जाएगी, नई मुंबई में रहेगी या उरण में रहेगी वक्त बताएगा। उठाने के लिए दोनों कप्तान तैयार है लेकिन मैच का रिजल्ट क्या लगेगा, ये ट्रॉफी किसके पक्ष में जाएगी, कौन इस ट्रॉफी के साथ आनंद लेगा, कौन इस ट्रॉफी के साथ जश्न मनाएगा, कौन सी टीम की दादागिरी चलेगी, कौन सा टीम का कप्तान करेगा कि हम आए इस ट्रॉफी को उठाने के लिए आए। बराबर, साथ ही हमारे परम दोस्त साहिल ठाकुर मौजूद है, 4 दिन हमारे साथ थे और आते रहते थे, जाते रहते थे, बहुत बड़ा मजा आती है लेकिन हम अभी उनको छोड़ के घर जाएंगे, हमें बहुत दुख हो रहा है लेकिन क्या करेंगे, जाएंगे लेकिन दोस्ती हमारी मजबूती की होगी। मोगरा चाहे कितना भी दूर हो जाए उसका खुशबू आता है। 18 स्कोर और आखिरी गेंद बजाए विनीत, पौने 5 बजने को आ चुके हैं। या बाउंड्री की संभावना, चली गेंद फील्डर गेंद के पीछे, 2 रन जरूर मिलेंगे, तीसरे के लिए पलट चुके, रनआउट का मौका हो सकता है क्या? और रन मिले 2, ये स्ट्राइक रोटेट हुई नहीं है, 2 ही रन है और 2 रनों के साथ स्कोर आगे 20। पांच गेंदे 24, 4 छक्के चाहिए, मिस टाइम शॉट हुआ है और एक सिंगल मिलेगा आने वाले 4 बॉल शेष 23। कॉर्लेस ब्रैकेट आपको बनना पड़ेगा, मैच को जीतना है पाली कप्तान और पाली के दोनों एक खिलाड़ी कल्पेश और प्रथमेश। कल्पेश 4 बॉल शेष है, 23 रन चाहिए, 4 छक्के चाहिए और कॉर्लेस ब्रैकेट ने जो कारनामा किया था वही करो, ऐसे उतुंग छक्के मारो कि मानो देखना चाहिए बॉल कहां गई घनसोली वालों को, ऐसा मारो नहीं तो ट्रॉफी जाएगी सीधी घनसोली में। विनीत चलिए, क्या विकेट कीपिंग का मुजारा देखिए और क्लोज भी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। अंतिम 3 बॉल 24 रन, लोग समझ गए, खड़े हो गए सब, अभी क्या होगा इस मैच का, लेकिन घनसोली टीम की दादागिरी चल रही है। मेहमान टीमों ने आकर देखिए क्या करिश्मा दिखाया उरण के इस सरजमी पर, नवीन सेवा के सरजमी के ऊपर, माजी अहमदाबाद ट्रॉफी और सरपंच ट्रॉफी 2024 में। आखिरी 2 बॉल 3 बॉल शेष, 24-23 चाहिए, विनी तैयारी, शॉट है अच्छा, कैच होगी क्या, लपक लिया कैच और इसी के साथ अब मैच में औपचारिकता बाकी। वैसा तो ये ट्रॉफी चली जा रही है
घनसोली में, क्योंकि आखिरी दो बॉल शेष और जीतने के लिए 23 रन चाहिए। बल्लेबाज सुजात, अभी ये मैच मुझे लगता है कि पूरी तरह से पकड़ मजबूत की है, जकड़ मजबूत की है और ये ट्रॉफी को पूरी तरह से हकदार बनने की कोशिश घनसोली की हो चुकी है। ये शॉट जरूर है, फायदा नहीं है। अब भी लगभग देखा जाए एक गेंद 22 रन मुश्किल है। चैंपियन तो बनने के लिए घनसोली के गेंदबाजों ने क्या गेंदबाजी की, बल्लेबाजी ओपनिंग बल्लेबाजों ने किया और उसके बाद गेंदबाजों ने भी बड़ी अच्छी मशक्कत की, पायलट टीम को ज्यादा मौका नहीं दिया मारने का, एक छक्का और एक ही बाउंड्री आ गई, उसके बाद ऐसा कोई धमाका नहीं हुआ है। और इस बार ये व्हाइट जरूर गेंद है, स्कोर आगे 24 तो अभी क्या एक बॉल में मुझे लगता है 20 का 21 रन चाहिए, ट्रॉफी जाएगी घनसोली में। चलिए ट्रॉफी को जीता घनसोली टीम बनी माजी आमदार ट्रॉफी सरपंच ट्रॉफी का सेंट शाडीजा चैंपियन। पायलट टीम चैंपियन विजेता टीम सिकंदर टीम बनी मेहमान टीम यानी कि घनसोली टीम, वेल्डन घनसोली टीम जो तूफानों को थाम ले उसे समुंदर कहलाता है, जो खुदा को जान ले उसे मस्त कलंदर कहलाता है। गिरते हैं मैदान जंग में कायरी मगर जीतने की ठान ले वही सिकंदर वही चैंपियन।